subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Thank you.
कामार्चा पूजन जो है हमारे यहाँ वैष्णवाराधन में, वैष्णवों के यहाँ जहाँ श्री राम ही परम परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके यहाँ रामार्चा पूजन का विशेष जो भविष्योत्तर खंड है उससे लिया गया है। इस रामार्चा पूजन में भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से, वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। राम जी की बहुत बड़ी कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है कि आज मनुष्य योनि में इतना बड़ा कार्य करने को मिल रहा है। रोम रोम में आनंद का अनुभव हो रहा है। 500 सालों से जिस चीज़ हम लोग इंतजार कर रहे थे आज वो घड़ी आई है, कल से ये कार्य शुरू होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कहना है? देखिए 492 सालों बाद पूरे विश्व के सनातनियों का सपना पूरा हुआ है। हम बहुत भाग्यवान पीढ़ी हैं जो शिलान्यास और राम मंदिर बनता हुआ देखे। मैं पूरे विश्व के सनातनियों का आह्वान करता हूँ कि कल का दिन दीपावली की तरह मनाएं, अपने घरों पर दीपक छतों पर घरों पर लगाएं, ताकि पूरे विश्व में एक संदेश जाए, ये तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हर बार अयोध्या आना अच्छा रहा है, लेकिन इस बार अयोध्या धाम में आना एक अलग सा उल्लास, अलग सा हर्ष अनुभव करवा रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा गरिमामय ऐतिहासिक अवसर है, एक सौभाग्यशाली अवसर है जब अयोध्या आने का ये संयोग बना है। सैकड़ों वर्षों की एक उत्कट अभिलाषा, चिर प्रतीक्षित एक प्यास, वो पूरी होने जा रही है। करोड़ों करोड़ों राम भक्त जिस दिन के लिए बहुत उत्सुकता से इंतज़ार में थे, वह दिन आया है। और इस दिन के पीछे क्योंकि लंबे आह्वान अभियान रहे हैं और उसके बाद ये विजय का पथ प्रशस्त हुआ है, श्री राम मंदिर के रूप में राष्ट्र गौरव का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है इस बार अयोध्या आना अलग सा एक गौरव अनुभव करवा रहा है। Oh, oh, oh.
जुड़ चुके हों, क्योंकि हम लोग तो अपने धर्म में सुनते हैं कि तुलसी भी शुभ होती हैं, वट वृक्ष भी और पीपल भी और तमाम नवग्रह के पेड़ होते हैं जिसको शुभ माना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पारिजात के वृक्ष को का रोपण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवान की पावन जन्मस्थली है वो श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर श्री रामलला का आधारशिला रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं 5 अगस्त को। पारिजात वृक्ष देव वृक्ष है, महर्षि हमारे देवर्षि नारद जी स्वर्ग से ला करके द्वारिकाधीश भगवान को पारिजात का एक पुष्प अर्पित किए थे और वो पुष्प ठाकुर जी ने सीधे रुक्मणी जी को दे दिया। इस प्रसंग से सत्यभामा जी नाराज हुई, उन्होंने कहा कि आप रुक्मणी जी को ही ज़्यादा मानते हैं, हमें नहीं स्नेह करते, नहीं मानते हैं उतना। तो ठाकुर जी फिर पारिजात को लाने के लिए स्वर्ग में जा करके इंद्र से कहे कि भाई पारिजात आप दे दीजिए, तो नहीं तैयार हुए। फिर युद्ध करके और पारिजात ला करके द्वारिका में ठाकुर जी ने स्थापित किया पारिजात। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव वृक्ष होने के नाते एक दिव्य वृक्ष माना गया है, उसको स्थापित करेंगे, क्योंकि भगवान की तो ऐसे नगरी पूरा दिव्य है ही, पूरा कणकण में यहाँ राम है। हम लोग तो पूरे जगत को ही मानते हैं सियाराममय है सब, लेकिन वहाँ पर एक शुभ कार्य इतना पावन और इतने संघर्ष के बाद होने जा रहा है, तो उस देव वृक्ष की स्थापना करके और मंगल कामना इस तरह की पूरे विश्व की उसके साथ जुड़ेगा और जुड़े रहेगी कि ये भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। साहब मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल जाने को तैयार, हालत हमारी देख लीजिए, हम इस काबिल हैं, हम जाने को तैयार नहीं ना, क्योंकि मैंने 3,000 हिंदुओं कंधे पर सड़ी हुई लाखों का दफ्त किया, कोई हमें उम्मीद थोड़ी कि वहाँ से हम लोग, और हमें जाने से कोई इतराज नहीं ना, पर तबीयत हमारी ठीक है, हम चलने तैयार, उसका हिसाब ला। अब यहाँ उठ के आए कितनी मुश्किल से डंडा टेक के यहाँ तक आए, वहाँ इतने बड़े भंजने में जाना हमारे लिए, देखिए देखते जाएगा शाम तक क्या है क्या। जहाँ तक मेरा आकलन है, आज ट्रस्ट के पास 30 करोड़ से अधिक दान राशि प्राप्त हो चुकी होगी और कल प्रातःकाल तक और 11 करोड़ उसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र संत पूज्य श्री मुरारी बापू ने, जैसा कि मैंने कल कहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देश विदेश के लोगों से हमने अनुरोध किया 5 करोड़ की दान राशि के लिए, कुल मिलाकर के 18 करोड़ प्राप्त हो चुकी है उनको, उसमें से 11 करोड़ देश के अंतर्गत लोगों की है और 7 करोड़ बाहर के लोगों की है। बाहर के लोगों की दान राशि हम लोग तब तक नहीं ले सकते जब तक ट्रस्ट को FCRA का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, और इसलिए विदेशी मुद्रा का प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक यह 7 करोड़ की राशि ऑन होल्ड रहेगी और कल 10 बजे तक ये 11 करोड़ की राशि भी उसमें जमा हो जाएगी।
भगवान राम जी का जो अयोध्या में मंदिर क्रिएट होगा और उसके लिए भूमि पूजन होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भूमि पूजन में जो योगदान करेंगे और जो इस इतिहास की सबसे बड़ी जो अपेक्षा थी कि कब होगा राम मंदिर और वो कल से शुरू हो जाएगा, इसलिए लोग पूरी बीच पे जगन्नाथ जी के धाम पे ये 4 tons ऑफ सैंड में ये स्कल्पचर क्रिएट किया गया है और यहाँ पर भी इसका जो मॉडल है, मंदिर का जो मॉडल है, वो मॉडल को रिक्रिएट किया गया है। उसके साथ प्रभु राम, भगवान श्री राम का भी स्कल्पचर क्रिएट किया।